खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। आईजी ने विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अफसरों के लिए बैठक। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। मिलावट की शिकायत पर एक क्विंटल से अधिक मिर्च पाउडर किया जब्त। केडलगंज में हुई कार्यवाही। ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर सीएम गहलोत ने शुरू की यात्रा। अलवर आने पर जिला कांग्रेस कमेटी करेंगी सभाएं। और युवक को चाकू से गोदकर हत्या के पीछे पारिवारिक कलह थी वजह। रामगढ़ पुलिस ने चार को लिया हिरासत में। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलवर रेंज आईजी उमेश दत्ता ने सोमवार को मिनी सचिवालय स्थित सभागार में मीटिंग ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित जिले भर से आए पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इन सभी को शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव करवाने और भय मुक्त वातावरण स्थापित करने के निर्देश दिए गए। उधर पत्रकारों से बातचीत में उमेश दत्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और समीपवर्ती बॉर्डर पर भी निगरानी रहेगी, जिससे अवैध शराब सहित हथियारों की तस्करी नहीं हो सके। आज का मेरा इस तरफ आने का मुख्य मतलब भी यही था कि SP साहब और उनसे संबंधित सारे के सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे विभिन्न जो पहलू हैं इलेक्शंस के उनके बारे में डिस्कशन की जा सके, और जो मुख्य बिंदु हैं वो है प्रिवेंटिव एक्शन का, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो इंसदादी कार्रवाई है उस पर मेन एम्फेसिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ और जो आपके अलग अलग माइनर एक्ट्स हैं, बेशक वो मादक द्रव्यों से जुड़े हुए हों, शराब से जुड़े हुए हों, हथियार आदि, उन पे प्रबल कार्रवाई करना, तो इन सभी बिंदुओं का एक बार रिव्यू करना और उनमें और पैनापन लाना, यही मुख्य मंतव्य है। उसका ध्येय वाक्य यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हो सके, तो उसके लिए सारे के सारे समग्र बिंदुओं पे एम्फेसिस दिया जा रहा है। अब रेवाड़ी साउथ रेंज से मेरी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई और उन्होंने भी अपने सभी बॉर्डरिंग जिलों के पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए थे और वो भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियरली और सीरियसली इसमें सम्मिलित हुए हैं, और इसको लेकर पूर्व में स्टेट लेवल की भी डिस्कशंस हुई हैं और उसको लेकर हम काफ़ी सारे अपने जॉइंट ऑपरेशंस और वो सभी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हर तरह की अवांछनीय गतिविधि पे रोक लगाई जाएगी। दीपावली के त्योहार को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य सामग्रियों में मिलावट की आशंका के चलते कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शहर के केडलगंज स्थित जय गोपाल फ्लोर और ऑयल मिल से 120 किलो मिर्ची जब्त की गई है। इसके सैंपल लेकर मुख्यालय भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन लाल और हेमंत यादव ने बताया कि यहां मिर्ची पाउडर में मिलावट को लेकर शिकायतें मिल रही थी, वहीं आगामी दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। 16/2023 को हमारे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भी कटला में मिलावट का कार्य हो रहा है, तो हमने आज मैसर्स जय गोपाल ऑयल मिल एंड फ्लोर मिल्स के ऊपर अभी कार्रवाई की जारी है। हमने यहां से लाल मिर्च का सैंपल लिया है और करीब 120 किलो लाल मिर्च जब्त करी है मिलावट होने के शक पर। अब इस सैंपल को हमारी लैब के अंदर भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी रेगुलर बेसिस पे भी, अभी शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत हम रेगुलर बेसिस पे भी सैंपल ले रहे हैं, लेकिन विशेष अभियान दिवाली का अभी हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से निर्देश आने वाले हैं, उसके बाद फिर हम डेली अभियान युद्ध स्तर पर हम मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चालू करें। इस तरह की सूचनाओं के लिए राजस्थान सरकार ने योजना चला रखी है, मुखबिर योजना, उसके तहत हमें जब भी सूचना मिलती है हम तुरंत कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हो 181 के ऊपर। मुखबिर हमारे यहाँ पे खुद ऑफिस में आके एप्लीकेशन देकर हमारे को उसका नाम डिस्क्लोज भी नहीं होगा और वो हमारे पास रहेगी और उस शिकायत पर हम कार्रवाई करेंगे।
गौरतलब है कि त्योहारों से पहले एवं खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, हालांकि नियमित मॉनिटरिंग का अभाव बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा यात्रा निकाली जा रही है। अलवर में आने पर इसका स्वागत किया जाएगा। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार ईस्टर्न कैनाल के नाम पर मोदी सरकार ने 13 जिलों के साथ धोखा किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। इसके खिलाफ जनता में चेतना लाने के लिए आयोजित यात्रा का शुभारंभ 12 जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। यात्रा से एक दिन पहले रविवार को जगह जगह मटका फोड़ प्रदर्शन किए गए थे। केवल इस बात के से ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का राज है, अगर हमने इसको ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बना करके और राजस्थान के 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, जहां एक तरीके से ड्राई एरिया जिसको कहते हैं, वहां पानी आएगा तो जनता गहलोत सरकार को इसका श्रेय देगी, केंद्र को नहीं देगी, इसलिए मोदी जी ने उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने गत बजट में 14,200 करोड़ रुपए ईस्टर्न कैनाल के लिए पास किए और वो काम स्टार्ट करा दिया और मंच के माध्यम से मोदी जी से कह दिया कि मोदी जी आप इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो या मत करो, हम इस योजना को पूरी करके रहेंगे और 13 जिलों को, जो इन 13 जिलों की एक तरीके से रीड है ईस्टर्न कैनाल पानी के मामले में, उन 13 जिलों को उस नहर का पानी देंगे और इन जिलों को खुशहाल करेंगे और ईस्टर्न कैनाल अलवर तक आकर रहेगी। बात गलत है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री बराबर होने चाहिए, भेदभाव पूर्ण नीति वो अपना रहे हैं, गलत है। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि इस बार भाजपा की हिंदू मुस्लिम की राजनीति कामयाब नहीं होगी, वहीं कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि देश की जनता समझ चुकी है और अब भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के अनुसार तिजारा से चुनाव लड़ रहे भाजपाई सांसद बुलडोजर के नाम पर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वे भी सफल नहीं होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नूह घटना के नाम पर ध्रुवीकरण का प्रयास भी सफल नहीं हो पाया था। वो तिजारा की धरा राठ क्षेत्र की धरा है, वो उस बुलडोजर को महंत जी के ऊपर ही चला देंगे, उनको घर भेज देंगे वापस, अस्थल बोर जाओ और मठ पे वहाँ मेहनत पड़ा करो, ये कर देंगे वो तिजारा के लोग हैं, वो दाब में और प्रेशर में नहीं आते, भाई बंदी से तुमसे आप कुछ भी करवा लो, दादागिरी सहन नहीं करते तिजारा की जनता। हिंदू मुसलमान करके एक बार सत्ता में केंद्र में आ गई सरकार, दो बार आ गई, अब तीसरी बार नहीं आएगी। अब लोग उनकी पोल समझ चुके हैं कि देश के आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, तो आप जनता उनके चक्कर में नहीं आएगी और उनको देख लेना आप, अभी तो बाड़कनाथ जी को घर भेजेगी और 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वापस गुजरात भेजेगी। जनता ये कहने लग गए कांग्रेस की सरकार बनाओ जो सबको साथ लेके, तो राजस्थान में विकास मॉडल होगा, अलवर जिले में हम भंवर जितेंद्र सिंह जी के विकास मॉडल को और अशोक गहलोत जी की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और 11-11 सीट हम जीतेंगे। रामगढ़ में रामलीला के दौरान युवक रवि को चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि यह पूरा मामला पारिवारिक अंतर्कलह का है, इसे लेकर 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया था। 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था जिसमें से 4 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में किसी महिला को प्रताड़ित करने की बात सामने आ रही है जिसे लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चाकूबाजी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, पोस्टमार्टम करा के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, मुकदमा दर्ज किया गया, 6 आरोपी नामजद कराए गए हैं और तफ्तीश से पता लगा है कि एक फैमिली डिस्प्यूट था तो उसके परिवार के 2 सदस्य और उनके 3 अन्य साथी थे, इस प्रकार 5 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुख्य 5 में से 4 आरोपियों को पुलिस की हिरासत में हमने ले लिया है और जो शेष हैं आरोपी उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब कोई परिवार का डिस्प्यूट है कि जो मारने वाले हैं उनके परिवार की एक महिला इस फैमिली में है और उनका ये मानना था कि वो उसको ठीक से व्यवहार नहीं होता और इस तरह की बात सामने।
मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से राजस्थान में पीआईडी एक्ट और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करने की मांग जारी है। इसके लिए सक्षम अधिकारी, जिला कलेक्टर और अन्य समकक्ष अधिकारी को बनाने सहित भुगतान दावों के लिए काउंटर खुलवाने के सिलसिले में खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बर्ड्स एक्ट 2019 में इसका प्रावधान किया गया था। गौरतलब है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा लंबे समय से चिट फंड कंपनियों में जमा रकम को वापस दिलवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वालों में संयोजक मोहनलाल जैन, बाबूलाल प्रजापत, गुलाबचंद और अन्य लोग शामिल रहे। तिजारा के हमलाका गांव निवासी 60 साल के बुजुर्ग का हाथ बाजरे की कुट्टी काटने वाली मशीन में आ गया। इसके चलते दाहिने हाथ के टुकड़े टुकड़े हो गए। घायल जमालू खान को तिजारा से अलवर लाया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर किया गया है। यह घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की है। घायल के परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग कड़बी का चारा कटवाने के लिए मशीन लेकर गया था। वहां काम करते समय मशीन में हाथ आ गया। अधिक खून बहने के कारण वृद्ध की हालत गंभीर बनी हुई है। ये कुट्टी ना काटे, मतलब जो बाजरे कड़बी उससे हाथ कट, ये तिजारे के पास हमला गया। चारा कुट्टी बाजरे कड़बी, ट्रैक्टर पीछे होती है मशीन, ट्रैक्टर चल रहा था उससे मशीन। कौन सा हाथ कटा है? सीधा हाथ। नाम क्या है? जमाल। उम्र कितनी लगभग? अभी 60-65 साल। भाई ये कड़बी काटन कुटन गया था, ये चारा ना रहे भैंस हुआ में उस तरीका सा हाथ आ गए, बाकी जैसे कहीं के वहाँ फंस गो बचा, मशीन फिरती रही, फिर कहीं के वहाँ वो जो ट्रैक्टर वालों ने वह आयो, वो जो घान लगा रहा वह वाके लटक रहा, फिर उनने वाने पाछे लोग गियर करो हो जब ही जार 2-4 मिनट में लिखा हाथ का टुकड़ा जैसे कड़बी कुट्टी कुटती है ना ऐसे ही टुकड़ा गया। जैन युवा फेडरेशन का शपथ ग्रहण समारोह चेतन एनक्लेव जैन मंदिर में आयोजित हुआ। इस दौरान नव निर्वाचित अध्यक्ष आशीष जैन और कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत परिधि जैन के मंगलाचरण से हुई। कार्यकारिणी में पंकज जैन उपाध्यक्ष, राकेश जैन भोज सचिव, सुरेंद्र जैन कोषाध्यक्ष, चंद्रेश जैन सांस्कृतिक सचिव और सुधांशु जैन प्रचार मंत्री होंगे। वहीं इस दौरान समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे, जबकि संचालन पंडित अजीत जैन शास्त्री द्वारा किया गया। समाज को निर्देशित किया और संस्था को आज संस्था के इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में जब आपकी उपस्थिति हमारे पास है, हमें पता है कि समाज आपके द्वारा ही गाइड होता है, समाज आपके निर्देशन में आगे बढ़ता है, समाज आपके संरक्षण में आगे बढ़ता है। तो जब आपका संरक्षण को मिला है तो निश्चित तौर पर ये जो युवा फेडरेशन है यह आने वाली गतिविधियां भी उसी अनुरूप चलाएगा। मिस्टर अलवर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन 19 अक्टूबर को होटल स्वरूप विलास पैलेस में होगा। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर इंडिया रहे दीपक नंदा मौजूद रहेंगे, जिन्हें इंडियन रॉक के नाम से जाना जाता है। एनपीसी राजस्थान बॉडी बिल्डिंग की ओर से यह आयोजन हो रहा है। इस बारे में जिलाध्यक्ष अंकित कौशिक और जिला सचिव नीरज कपूर ने जानकारी प्रदान की। नाइटिंगेल कॉलेज फॉर गर्ल्स अलवर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को लेकर कैंप लगाया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि इसके तहत किन सजाओं और जुर्माने का प्रावधान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी मुस्तफा खान ने यह भी बताया कि 3 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले लोग पैरवी करने के लिए वकील की निःशुल्क सेवाएं ले सकते हैं। वहीं इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल शर्मा, स्टाफ सदस्य और छात्राओं की मौजूदगी रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 233-8663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस दौरान जिला संयोजक हिमांशु शर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत, संतोष कुमार मीणा और नरेश तंवर को गांधी पुस्तिका एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अलवर जिले में हो रहे उत्कृष्ट कार्यक्रमों में प्रशासन द्वारा सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर यह कदम उठाया गया। और निश्चित रूप से ये कहते हुए खुशी की बात है कि हमारे जिला प्रशासन ने बहुत उत्कृष्ट भूमिका निभाई। वो जिला प्रशासन ने महात्मा गांधी जी के जो दिखाए हुए रास्ते पर चलने का जो संकल्प लिया है और उसके बाद गांव-गांव ढाणे-ढाणे में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार किया है, तो इस व्यवस्था में जो जिला प्रशासन ने हमारी मदद करी उसके लिए भी हमने उत्कृष्ट कार्य करने पर वो सम्मानित किया। आज हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर फर्स्ट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सेकंड, तमाम हमारे जितने जिला प्रशासन के लोग थे गांधी दर्शन की ओर से उनको सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से अलवर जिला ही नहीं राजस्थान जिला भी गांधीमय होता जा रहा है। शहर में परिवहन नगर स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ विधान का आयोजन श्रद्धा पूर्वक किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनीज ने बताया कि महामंडल विधान में सैकड़ों की संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। विधान का आयोजन जैन पूजन संघ के सहयोग से किया गया। इसके अलावा श्री जैन संस्कृति रक्षा मंच द्वारा मंदिर में महा आरती का आयोजन भी हुआ। वहीं बालिका चाहत ने शानदार भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके अलावा भक्ति संध्या भी हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी ने नगर निगम पर रोड लाइट व्यवस्था को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया है। पदाधिकारियों के अनुसार पूर्व में भी निजी क्षेत्र की ही कंपनी शहर की लाइट्स की देखरेख करती थी, साथ ही 24 घंटे रोड लाइट्स जलती रहती थी। शिकायत पर जवाब मिलता था कि पैनल टाइमर खराब है। वर्तमान में नया ठेका होने पर भी वही स्थिति बनी हुई है। बुद्ध विहार एवं विवेकानंद नगर सहित कई जगह यही हालात हैं। तेजपाल सैनी और अन्य पदाधिकारियों ने इस दिशा में कार्यवाही की मांग की है। गलियों में तो अलग बात है, मेन रोडों पर भी लाइटें बहुत कम चलती हैं, बहुत लाइटें बुझी रहती हैं। इस तरह से व्यवस्था सही नहीं है। सभी लाइटें सुचारू रूप से चले इसकी सही व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम द्वारा जो लाइटें ठीक करने का ठेका दिया गया है ये पूर्ण रूप से सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि सब तरह की लाइटें गलियों में हों, चाहे वो रोड मेन रोड पे हों, सभी चलें और सही, जैसे रात में बुझ जाती हैं दिन में जलती हैं या दिन में जलती रहती हैं रात में बुझ जाती हैं, इस तरह की व्यवधान पैदा नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था। दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, दीपावली के त्यौहार पे हर साल ऐसा करते हैं लेकिन उसको सही ढंग से सुचारू कर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये काम अच्छे तरीके से हो और इसका बेनिफिट पब्लिक को मिले। अधिकांश
वार्डों में जहाँ से ये रोड लाइट ऑपरेट होती हैं वहाँ के जो पैनल है वो भी ख़राब है और अधिकांश जगह जो ये टाइमर है वो टाइमर भी खराब पड़े हुए हैं, उनको भी दुरुस्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। इनके ख़राब होने से जहाँ लाइटें 24 घंटे चलती हैं, रात में नहीं जलती हैं, दिन में जलती हैं, इस प्रकार के भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी होगा और हम ये आशा करते हैं कि दीपावली तक कम से कम ये शहर की जो भी रोड लाइटें हैं वो उनके दुरुस्त होंगे, परंतु इससे पहले जो टाइमर और पैनल हैं उनको भी दुरुस्त किया जाना ज़रूरी है। अधिकांश जगह पैनल जल चुके हैं, टाइमर भी जल चुके हैं, वहाँ इससे व्यवस्था नहीं है जिससे कि रोड लाइट ऑपरेट हों या ऑफ हों। जो ऑटोमेटिक सिस्टम जो अपनाया हुआ है नगर निगम ने वो चालू किया जाना चाहिए। दीपावली पर्व पर अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा हर वर्ष की तरह बाजारों को सजाया जाएगा। इस बारे में रमेश जुनेजा ने बताया कि 51 स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, साथ ही आकर्षक रोशनी की जाएगी। वहीं उन्होंने आमजन और दुकानदारों से अपील की है कि बाजारों में गंदगी ना फैलाएं। राजर्षि अभय समाज में रामलीला के दौरान देवताओं की पुकार, राम जन्म एवं ताड़का वध की लीला का प्रभावी मंचन किया गया। अभय समाज के विशाल रंगमंच पर देवताओं द्वारा भगवान विष्णु को पुकार लगाई गई कि वे धरती पर पापों के नाश के लिए अवतार धारण करें, साथ ही राम जन्म एवं ताड़का वध के प्रसंगों का मंचन हुआ। सभी कलाकारों ने प्रभावी अभिनय किया। समाज के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि 108 वर्षों से प्रदर्शित हो रही रामलीला में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। पानी की समस्या से परेशान वार्ड 29 स्थित नयाबास मीणा धर्मशाला के लोग सोमवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे, साथ ही अधिशासी अभियंता कमल नारंग को क्षेत्र में हो रही पानी की किल्लत से अवगत कराया। यहां पिछले करीब 20 दिनों से तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, लोगों को स्वयं के खर्च पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। पानी नहीं आ रहा साहब, बोरिंग में कई बार आ चुका और वहाँ कचड़ी में भी गया, कोई सुनाई ना कर रहा। अब यहाँ पर आए हैं क्या कह रहे हैं? यहाँ कुछ भी नहीं घर है, वो उसके पास जाओ आईएन साहब के पास। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी? पानी कोई 10-15-20 दिन के करीब हो गया। परेशान हो रहा, वाटर वगैरह का भी नहीं जा रहा हमारे। कैसे काम चला रहे हो? फिर ऐसे ही जैसे कोई टैंक गिरवा रहा है, कोई खंखा से ला रहा है, ऐसे ही बस रुक रुक कर पूरे दिन में जैसे कि एक जना का भर गयो थोड़ा बहुत, उसका आ गयो उसके बंद कर देते उसके। अब कल से आज तो बिल्कुल नहीं आ रहा साहब, 29 है साहब, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा साहब, बहुत परेशानी चल रही है साहब। मोल लगे नया आवास मिले धर्मशाला के पीछे। कितने दिन से नहीं आ रहा? 15-20 दिन हो गए साहब, बहुत परेशान हो रहा है। यहाँ आए साहब कोई सुनना, यहाँ से वहाँ बदले, वहाँ से वहाँ बदले, अब ऐसे न्यूज ला रहा है, कभी न्यूज ला रहा है, कभी न्यूज ला रहा है, ये कोई रुचि नहीं रहता ये। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक सोमवार को बस स्टैंड परिसर स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। एसोसिएशन द्वारा 5 नवंबर को चित्रगुप्त छात्रावास में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा विचार विमर्श किया गया। अलवर शाखा के सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में भरतपुर, धौलपुर, हिंडौन, तिजारा और अलवर डिपो के रिटायर्ड कर्मचारी भाग लेंगे। इस दौरान नई रोडवेज बसों और नई भर्ती की मांग सहित रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेकर चर्चा की जाएगी। 5 अक्टूबर को हमारी जो कार्य समिति है उसकी बैठक हुई थी, जिसमें भरतपुर से, हिंडौन से, तिजारा से, धौलपुर से लोगों ने शिरकत की यहाँ, और हमने तय किया कि क्षेत्रीय समिति भरतपुर एवं शाखा अलवर का सम्मेलन 5 नवंबर को अलवर में तय किया है, जिसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है और हमने सम्मेलन के स्थान के लिए चित्रगुप्त छात्रावास तय किया है। हमारे जो बकाया भुगतान है उन पर चर्चा होगी, आगामी जो आंदोलन हम करेंगे उस चर्चा होगी। मुख्य रूप से हमारा जो है कि रोडवेज की बस खरीदी जावे और नई भर्ती की जावे, ये हमारे मुख्य मांगे होंगी। इसके अलावा बकाया भुगतान तो है ही लोगों के, इन पर सब चर्चा होगी सम्मेलन में। एक पारी में चलने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी विद्यालयों का समय सुबह 10 से 4 बजे तक का हो गया है। 16 अक्टूबर से यह परिवर्तन लागू हुआ है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फीलखाना की कार्यवाहक प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी यादव ने बताया कि शिविरा पंचांग के अनुसार 1 अक्टूबर से समय परिवर्तन होना था, लेकिन अब शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 16 अक्टूबर से एक पारी में चलने वाले सभी स्कूलों का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का कर दिया गया है। आज से शिविरा पंचांग के अनुसार पहले तो 1 तारीख से था, लेकिन फिर बाद में बदल दिया गया था कि 15 तारीख के बाद टाइम चेंज होगा, तो अब आज 16 तारीख से 10 से 4 का टाइम बच्चों का हो गया है। ये 31 मार्च तक रहे।
खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पांडुपोल हनुमान जी के महाभारत कालीन मंदिर में शारदीय नवरात्र पर गणेश पूजन कर श्री राम कथा का शुभारंभ हो गया। कथावाचक अविचल दास महाराज हैं। पांडुपोल महंत ने बताया कि इससे पहले महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बूढ़े हनुमान जी से प्रारंभ होकर मंदिर पर पहुंची। इस दौरान भगवान हनुमान के जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर पंडित बाबूलाल शर्मा, ललित शर्मा, चेतन शर्मा, मुरारीलाल, गोविंद जोशी और हितेश शर्मा आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत पीला ढाबा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। आचार संहिता लगने से पहले ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के कारण यह कार्य जारी है। गांव के प्राचीन ठाकुर जी एवं हनुमान मंदिर के सामने निर्माण हो रहा है। सरपंच सुनीता राजेश यादव ने बताया कि करीब 5 लाख की लागत से मार्ग के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग सड़क बन रही है। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर भारत स्काउट गाइड मुख्यालय पहुंचे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने यहां बनाए गए संबंधित चित्रों को सराहा। उनका कहना था कि मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर पेंटिंग, रंगोली और लघु नाटिका सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन अखबारों में भी आ रहे हैं और हमारी टीम भी बहुत एक्टिवली सजग रूप से लगी हुई है। जिले के साथ साथ सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर और जो हमारी पंचायतों में भी, स्कूलों में भी काफ़ी जगह इन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जैसे रंगोली गतिविधियाँ होंगी, कहीं पर मेहंदी बनाने की गतिविधियाँ होंगी, इस तरह की गतिविधियाँ की जाए, बाद में इनको और जोर पकड़ा जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। बुर्जा में रामलीला मंचन जारी है। इस दौरान सीता स्वयंवर और लक्ष्मण परशुराम संवाद का आयोजन किया गया। रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीता स्वयंवर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर माता जानकी से नाता जोड़ा। इसके बाद भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद का प्रभावी मंचन हुआ, साथ ही श्री राम के जयकारे गूंजते रहे।
श्री क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख पूज्यतन सिंह का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसके लिए पोस्टर का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। समारोह 28 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उधर महावीर सिंह सरवड़ी और गंगा सिंह सहित समाज के प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन सम्पन्न हुआ और इस दौरान मालाखेड़ा सहित अलवर से भी प्रतिनिधि पहुंचे। क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख पूज्य श्री तन सिंह जी की जन्म शताब्दी समारोह 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में मनाया जाएगा। इसके लिए क्षत्रिय युवक संघ के समस्त पदाधिकारी बैराजपुर समाज के गणमान्य जनों ने इसके लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और जगह जगह पोस्टर बांटे जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक क्षत्रिय युवक संघ के बैनर तले इस जन्म शती समारोह को मनाने के लिए नई दिल्ली में पहुंचे। 28 जनवरी 2024 रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मैं देखेंगे टीएल न्यूज। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को मालाखेड़ा क्षेत्र के मंदिरों में भजन सत्संग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। माता ब्रह्मचारिणी का विशेष पूजन संपन्न हुआ। वहीं मंडावरा गांव स्थित मनसा माता के प्राचीन मंदिर में महिलाओं ने भजन सत्संग किया। यहां संगीता देवी, सोमवती और राजबाला देवी सहित अन्य महिलाओं की सत्संग टोली उपस्थित रही। अकबरपुर कस्बे में श्री रामलीला मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रविवार रात्रि धनुष खंडन और भगवान परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए लोगों ने जमकर तालियां बजाई। कलाकार ताराचंद प्रजापत के अनुसार कई स्थानों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। धनुष यज्ञ की लीला दिखाई जा रही है। इसमें पूरे पृथ्वी पर जितने भी वीर राजा हैं सब आते हैं धनुष उठाने के लिए, लेकिन अंत में भगवान श्री राम ही धनुष का खंडन करते हैं। और अकबरपुर गांव में पिछले 30-32 सालों से रामलीला चल रही है अकबरपुर के मंडल के द्वारा। बीच में कोरोना की वजह से रोक दी गई थी, उसको फिर दोबारा से शुरू किया है और सभी कलाकार बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। इस बार क्या आकर्षण है? इस बार नया आकर्षण आया क्या? इस बार हमारे जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है, हमारे जो गांव के मुख्य बाजार में से होकर मुख्य मार्गों से होकर जो भगवान राम की जो बारात आती है उसमें रथ हाथी घोड़े सभी सज धज कर बाराती आते हैं और बहुत ही धूमधाम से शादी के मुख्य आकर्षण होता है हमारे रामलीला का 5वां दिन है और आज भगवान परशुराम और राम भगवान का संवाद है, जो कि हमारे गांव का प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि परशुराम जी की भूमिका हमारे विजेंद्र शर्मा जी निभा रहे हैं, जो कि 3 साल हो गए हैं उनको करते हुए। अकबरपुर बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज बस नहीं रुकने की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि रोडवेज बसें घटा दी गई हैं और ऐसे में उन्हें घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। अकबरपुर बस स्टैंड से 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं। दूसरी ओर मासिक पास बनवाने वाले बेवजह आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि बस नहीं आने के कारण उन्हें निजी साधनों से जाना पड़ता है। देखो, अकबरपुर के आसपास काफी गांव जुड़ते हैं और यही मेन बस स्टैंड है। यहाँ से लगभग सुबह कम से कम 150-200 सवारियाँ खड़ी रहती है और बस टाइम पे आती नहीं है। बस इतनी कम हो गई है, जो आती है वो रुकती नहीं है, सीधी ले जाती है। जयपुर वाली आती है तो वो रुकती नहीं है भीड़ देख के, तो उनको कभी टेम्पू का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी किसी और साधन का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी अपनी अपनी मोपेड का सहारा लेना पड़ रहा है। इतनी भीड़ होने के बाद भी प्रशासन कभी इस पे ध्यान नहीं देता कि अलग से एक बस चला दी जाए लोकल एरिया में। इतनी सवारी होने के बाद भी प्रशासन कभी ध्यान नहीं देता, ना गवर्नमेंट इस पे कभी ध्यान दिया है। अलवर भरतपुर रोड स्थित ग्राम जुगरावर में चावण माता के मंदिर पर लक्खी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रतिमाओं का अलौकिक श्रृंगार कर मंदिर को आकर्षक लाइट से सजाया गया। श्रद्धालु मनीष प्रजापति और नरेश प्रजापति के अनुसार बड़ौदामेव कस्बे से 5 किलोमीटर दूर जुगरावर की पहाड़ियों की तलहटी में प्राचीन चावंड माता का मंदिर स्थित है। यहाँ मेले का आयोजन हर सोमवार को किया जाता है, साथ ही पीपल पूर्णिमा पर विशाल लक्खी मेला भरता है। यहाँ माता के दरबार में डोरी बांधकर की जाने वाली मन्नत पूरी होने की मान्यता है। एक चावंड माता का बहुत प्राचीन मंदिर स्थित है। कस्बे के आसपास का सबसे प्राचीन मंदिर यही माना जाता है। इसकी आस्था लोगों से बहुत प्राचीन समय से जुड़ी हुई है। हर वर्ष पीपल पोनु पर 7 दिवसीय एक बहुत विशाल मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है, जिसमें राजस्थान ही नहीं अपितु आसपास के सभी राज्यों से
माता के भक्त यहाँ अपनी मन्नतें मांगने, अपने जो जंजू उतरवाने बहुत यहाँ पे भक्त आते हैं। और इसके अलावा इस चावंड माता के मंदिर पर हर सोमवार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेले जैसी ही दुकानें लगती हैं और उसी प्रकार की भीड़ हर सोमवार यहाँ देखी जाती है। और वहीं बड़ौदा मेव कस्बे के प्राचीन शिव मंदिर के सामने से द्वितीय ध्वज यात्रा जुगरावट चावंड माता मंदिर के लिए रवाना हुई। श्रद्धालु अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नवरात्रों में यह ध्वज यात्रा रवाना की गई है। इससे पहले पूजा अर्चना और आरती की गई, वहीं श्रद्धालुओं ने चावंड माता मंदिर पहुंचकर ध्वजा अर्पित की। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के निर्देशन एवं खैरथल थानाधिकारी अंकेश कुमार के नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इसके तहत ग्राम जगता बसई और राता खुर्द में 15,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है, साथ ही 5 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई है। खैरथल के पुरानी अनाज मंडी क्षेत्र में बालाजी मंदिर के पास व्यापारियों की ओर से देवी मां का भंडारा किया गया। यहां पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं को भोज भी करवाया गया। वहीं भंडारा दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक आयोजित हुआ। इस मौके पर हितेश मित्तल, प्रदीप खंडेलवाल, विकास अग्रवाल, शुभम बंसल, दीपक गर्ग और मोहित अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत खैरथल की अग्रवाल धर्मशाला में रविवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पूर्व अग्रसेन महाराज की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलन हुआ। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता और विशेष अतिथि अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल एवं मुंडावर प्रधान सुनीता महेश रहे। इस मौके पर प्रतिभाशाली बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सुनील बिंदल, अशोक बंसल, ओम प्रकाश अग्रवाल, पूर्ण अग्रवाल और सुनील उड़ीसा आदि उपस्थित रहे। खैरथल में गतरात्रि किरवारी फाटक के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष थी। पुलिस ने युवक के शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मॉर्चरी पहुंचाया। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। चौपान की थाना क्षेत्र के ग्राम ग्वालदा में भूमि विवाद को लेकर संघर्ष छिड़ गया। यहां सोमवार सुबह खेत की डोल को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन्हें भिवाड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक महिला भी शामिल है। सर ऐसा हुआ था, वो लड़ाई हुई थी डोल पर जी। हमारे तो शादी और इनको मशोरों, हम तो अपने शादीवादी में लग रहा, तो इनने 2-3 आदमी जा रहे नहीं, जिस डोल काटी तुमने नुकई कायल काट रहा तुम, तो इन नुक नहीं जा रहे, वार कर दिए इनने। दो तुम एक तो महिला की लगी है और 3 लड़कान की लगी है। कितने सीरियस है? ज़्यादा सीरियस 3 सीरियस हैं, हामिद और कुर्सी इधर नप्पी। क्या लड़ाई है? क्या पुरानी जमीन को लेके थी पहले से? नहीं नहीं, अभी 4-5 दिन हुई, अभी हुई है। शादी कब थी आपके? आज ही शादी है, बारात जानी आज। और रास्ता में बाढ़ लगा दी और अब हमारे रास्ते भी रोक दियो घर को, ना बारात जा से ना आ से। मामला यह है सब, हमारा खेत हो रहा सिर्फ हो रहा खेत में, और हमारा खेत में के ये हामिद वगैरह जो जो ये है जमालू का लड़कान का, इनका रास्ता है वहाँ का, इनका भी इनका हमारा बराबर डोड़ा है, इनकी हमारी दौड़ पर बहुत ही सारी मामूली कहासुनी हुई है। इनका जो वो यहाँ नज़दीकी अफसर का परिवार, रईसों का परिवार, मुबीन का परिवार, इन ने आके नहीं हम पे हमला करवाए, फिर सब ने मिलकर नहीं हम वही मारा। हम अपना खेत में काम कर रहे हैं, लाठी परेशान से गिड़ मारी, हमारे एक लड़का के यहाँ से हाथ टूट गया है, टैंट फट गई है, एक इसके अरसद की टैंट फट गई है, मेरे भी चोट है और छोटी मोटी चोट तो, और चोट टैंट तो कई इनकी फूटी पड़ी है। क्या ये विवाद पुराना है या अभी के ताज़ा था? ये जी कई दिन से इन रास्ता रोक रखा जी, इन बाढ़ लगा रहा थी रास्ता में जी। हमने अपना हमारा टोला गड्ढा पड़ा, अब भी मौका पर टोला गड्ढा पड़े हैं, तो 2 आदमी ने भी देखे हैं हमारी, कोई अगर कोई गलती हो तो हम आगे भी देने के लिए। वो तो यहाँ है ही, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं। जिनसे हमारा मामला है ना, उनने लठ नहीं बजाया जी, दूसरा वन ने लठ बजाया, उनके नज़दीकी नाके नहीं हमारे। कितने लोग थे ये तो साहब ने लगा ले, अब 3 परिवार एक हो यहाँ साहब, ये हमारा एक परिवार, ये 3 परिवार एक हो यहाँ साहब। अब आदमी तो देख लो, अब 3 परिवार का कम से कम लगा ले 60-70 आदमी तो है। प्रथम नवरात्र दिवस पर किशनगढ़ बास विधानसभा से कांग्रेस टिकट की दावेदारी जता रहे चौधरी राम नारायण ने इस्माइलपुर गाँव में कार्यक्रम आयोजित किया। वे भिवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, साथ ही रागनी कंपटीशन भी हुआ। इस मौके पर साफा पहनाकर सम्मान भी किया गया। चौधरी राम नारायण ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने वर्ष 1974 में भिवाड़ी में पहली इंडस्ट्री लगाई थी।
इसके बाद भिवाड़ी को इंडस्ट्रीज का हब बनाने में सक्रिय योगदान दिया। साथ ही किशनगढ़ बास विधानसभा में नवगठित खैरथल जिले में भी आगामी दिनों में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। उन सब समस्याओं को हमने पार किया, समझाइश की और आज वो औद्योगिक क्षेत्र जिसका नाम राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, जब मैं 1974 में आया, पहली यूनिट लगाई तो जो डाक आती थी वो भिवाड़ी की जगह भिवंडी मध्य प्रदेश चली जाती थी। मैं एक छोटी सी डायरी रखता था ये बताने के लिए कि भिवाड़ी कहां पर है। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहां। अब एक समय आएगा आपके यहां भी बहुत बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, उसका कारण है खैरथल में सबसे जरूरी कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनता है उसके लिए दो चीजें जरूरी हो, एक तो रेलवे लाइन हो ताकि कच्चा माल और बना हुआ माल पूरे देश विदेश में जा सके, वो आपके खैरथल में। दूसरा नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी, अब नेशनल हाईवे का जो नया हाईवे बना है उसकी जल्दी ही इससे कनेक्टिविटी होगी। तो मेरी बात याद रखना, यहाँ पे बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और आप सब लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके लिए हमारे बच्चों को हमें तैयार करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे देशों में भी गया और बहुत सारी एसोसिएशंस के साथ में मेरे को विदेशों में जाने का मौका मिला, हमें स्टडी करने का मौका मिला कि भी यहाँ जो आईटीआई बच्चा कर लेता है या कोई डिप्लोमा कर लेता है या कोई बीए पास हो जाता है उसको नौकरी क्यों नहीं मिलती। उसको नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि उसको कोई काम नहीं आता। जर्मनी में हर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ एक फैक्ट्री अटैच है, वो बच्चा आधे टाइम तो फैक्ट्री में काम करता है और आधे टाइम किताबों की पढ़ाई करता है। हमारे सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान हम देते हैं, वो आगे जाके बड़ा मुश्किल से उनको आगे काम। मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया कि आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एक बच्ची यहाँ बैठी है, उसने मेरे से कहा बाबा मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। आज से 4 साल पहले वो बच्ची और भी छोटी थी, मेरे अंदर से एक भावना जागृत हुई और मैंने डानी के लोगों को कहा ऐसा बच्चा हो जिसमें लगन हो, पढ़ाई में होशियार हो, उस बच्चे को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके रास्ते में जितनी अड़चने आएंगी वो हम दूर करेंगे और उसको गाइड करेंगे, उसको अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसको ट्रेनिंग दिलाएंगे। और रामपुरा की ढाणी वालों, जिस दिन वो बच्चा आईएएस बन गया उस दिन आपका, अभी आप मेरे को कहते हो कि आपने हमारे रामपुरा की ढाणी का जगह जगह बोर्ड लगाए, सब लोग पूछते हैं रामपुरा की ढाणी कौन सी है। जिस दिन ये बच्चे आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, उस दिन आप देखना कि आपके ढाणी का नाम पूरे देश में रोशन है। ब्राह्मण समाज की ओर से राजगढ़ कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्राह्मण महासभा अलवर के जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज की दशा और दिशा तय करती है, साथ ही बच्चों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है तो उन्हें शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाना होगा। उधर समाज के सचिव प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस मौके पर 61 प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं राजकीय सेवा में चयनितों को प्रशंसा पत्र एवं भगवान परशुराम के प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अतिथियों ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। आरंभ में बच्चों द्वारा गणेश वंदना की गई। प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा श्री परशुराम भगवान की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात छोटे छोटे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों से गणेश वंदना के द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कुल 61 जो प्रतिभाएं थी उनको सम्मानित किया गया। हमारे जो मुख्य अतिथि रहे
वो अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री विशंबर दयाल शर्मा जी रहे और अमन भारती जी महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। एक भामाशाह हमारे बीच में पधारे श्री रामकिशन जी शर्मा, जिनका सदा हमें सहयोग रहता है, वो भी हमारे यहाँ पे मंच का उन्होंने सम्मान किया। तत्पश्चात क्रमबद्ध तरीके से सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। बाद में हमारे अध्यक्ष श्री ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी द्वारा सभी के सम्मान में उद्बोधन दिया गया और उसके पश्चात सभी को पहले 10वीं कक्षा में जिन बच्चों ने 85% अंक प्राप्त किए उनको सम्मानित किया। उसके पश्चात 12वीं क्लास सम्मानित किया गया। उसके पश्चात में जो राजकीय सेवाओं में जो नवनियुक्ति 2023 में हुई उनको सम्मानित किया गया। इस प्रकार कार्यक्रम समापन के पश्चात सभी को भोजन की व्यवस्था की गई। कला संगम राजगढ़ की ओर से कस्बे के माचाड़ी चौक स्थित नवीन रंगमंच पर रामलीला मंचन का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका के चेयरमैन राजेंद्र चेरवाल रहे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श एवं त्याग से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इससे पूर्व गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। वहीं रामलीला की शुरुआत नारद मोह से हुई। लीला का मंचन यहाँ शुभारंभ हुआ गांधी पार्क राजगढ़ के अंदर, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र चेरवाल द्वारा जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपने उद्घोषण के अंदर यह बताया कि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो लीला है वो मर्यादाओं से भरपूर है। उनके चरित्र का, उनके कर्तव्यों का, उनके जो वचनों का पालन करना उन्होंने बताया और आम जनता से यही आह्वान किया कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख कर जाएं और उनके वचनों के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार अपने घर पर भी वही वातावरण केंद्रित कर रखें। रामलीला के दौरान नारद मोह की लीला, जिसके अंदर कामदेव का घमंड चूर हुआ था, नारद जी ने उनका घमंड चूर किया और उसके उपरांत गणेश वंदना हुई, गणेश जी का पूजन हुआ। फिर और आज के दिन ही रावण, विभीषण और कुंभकर्ण उनका जन्म हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा करके भगवान से वर मांगे और उन वरों के आधार पर जो उन्होंने अपने कार्यों को शुरू किया। गत दिनों लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के पत्रकार गिरिराज सोलंकी के साथ विधायक जौहरीलाल मीणा के निजी सहायक मोनू शर्मा द्वारा हाथापाई के आरोप लगे थे। इसके विरोध में लक्ष्मणगढ़ थाने में परिवाद दर्ज करवाया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में जार की अलवर इकाई के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के नेतृत्व में SP को ज्ञापन दिया गया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। इस मौके पर अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ में एक कार्यक्रम के तहत लक्ष्मणगढ़ विधायक के निजी जो PA है या उन्होंने जो मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे पत्रकार साथी गिरिराज सोलंकी के साथ छीना झपटी हुई है, मारपीट की कोशिश हुई है, उसके संबंध में एक FIR दर्ज लक्ष्मणगढ़ थाने पर हुई है। उसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमारे जो जार के जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में SP साहब को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें निजी सहायक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। ये 8 तारीख का मामला है, 8 अक्टूबर का मामला है और आज 6 दिन हो चुके। रैणी नगर पालिका क्षेत्र में अग्रवाल समाज के सानिध्य में श्री अग्रसेन जयंती समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रैणी उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल रहे। सबसे पहले समाज के अध्यक्ष उमेश गर्ग और राम स्वरूप पटवारी द्वारा झंडारोहण किया गया। इसके बाद अग्रसेन पूजन, विचार गोष्ठी आदि संपन्न हुए। वहीं इस मौके पर बैंड बाजे के साथ श्री अग्रसेन महाराज की नगर परिक्रमा निकाली गई। अग्रवाल धर्मशाला में परिक्रमा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। बानसूर विधानसभा के हरसौरा मंडल स्थित हनुमान मंदिर में भाजपा अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता अलवर उत्तर की प्रभारी एवं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने SC समाज का केवल वोट के लिए उपयोग किया है, जिसे यह समाज समझ चुका है। वहीं यह वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण भाजपा के साथ है।
उधर भाजपा के प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने कहा कि आप सभी की मांग पर पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा है और वे सभी के बीच में रहकर सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बांसुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत आभारी हूं। और जिस तरह से समाज के सभी वर्गों में यहाँ उत्साह और उमंग है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ऐसे सम्मेलन हुआ है और सम्मेलन में जिस तरह से लोगों की सहभागिता रही है, चाहे एससी मोर्चा के हमारे पदाधिकारी हो, चाहे एससी मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता बंधु हो, तो ये 5 साल के शासन में जिस तरह से प्रताड़ित, परेशान और तरह तरह के इन पर अत्याचार हुए हैं, उनसे ये मुक्त होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनका मन बन चुका है और आने वाले समय में कांग्रेस यहां दूर दूर तक नहीं दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड लेकर यहां से जीतने जा रही है। अलवर उत्तर इस जिले में बांसुर जो विधानसभा है उसमें हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं देवी शेखावत जी, तो आज इन्हीं को साथ लेकर यहां पर हमारे एससी मोर्चा का एससी सेल का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया था, जिसके अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी भी और जो हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो भी सब यहां पर पधारे थे और बहुत भारी संख्या के अंदर जो है एससी वर्ग के लोग यहां पर आए थे। तो इस आयोजन के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर उनको संबोधित करना था और इसके साथ साथ देव सिंह शेखावत जी, जिनको कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली, इनके बारे में वैसे तो वो सब जानते ही थे लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इनके बारे में अवगत करवाने के लिए कार्यक्रम का आज आयोजन किया। वहीं इस अवसर पर जिलाध्यक्ष उमेद भाया, विधानसभा प्रभारी गौरी कुमावत सहित सुबह सिंह मोरोडिया, महासिंह चौधरी और मातादेन दहमीवाल, रेखा दहमीवाल और शशिकांत बोहरा आदि की मौजूदगी रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच कृपा देवी वाल्मीकि ने की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सनातन हिंदू धर्म का अपमान करती है। उन्होंने नूह कांड के बारे में कहा कि सोच समझकर ब्रजमंडल यात्रा पर हमले करवाए गए थे। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीतिक आरोप लगाते हुए सांसद सैनी ने कहा कि लोग सब समझ चुके हैं और कांग्रेस लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव हारेगी। कांग्रेस की रणनीति रही है कि हिंदू धर्म के आस्थाओं को ऊपर चोट पहुंचाना, ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है और उसके तहत ही जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करना, ये कांग्रेस की रणनीति रही है और उसी के निमित्त बड़ी प्लानिंग से कांग्रेस के विधायक ने एक प्लानिंग से उस यात्रा को डिस्टर्ब करने का कार्य किया, उसको FIR में दर्ज किया और उसको अंतर जेल में भी जाना पड़ा कांग्रेस के विधायक मामन खान को, क्योंकि ये बड़ी प्लानिंग से किया। और उसके अंदर हमें ये भी नज़र आता है कि राजस्थान से भी, क्योंकि राजस्थान को टच करता ये नूह हमारा है, राजस्थान से भी पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके काफ़ी लोगों ने फायरिंग की है, उसके अंदर हमें यह लगता है क्योंकि यहाँ की सरकार का भी उसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ है। तरह को डिस्टर्ब करने का काम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको जेल में जाना पड़ा। और अगर राजस्थान के अंदर आप लोग देखेंगे, राजस्थान के अंदर कितने दंगे हुए और यहाँ तक कि एक भाई की गर्दन तक काट दी गई और किस प्रकार से ये लोगों को भड़का करके वोट बटोरने का काम करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचती है, उनके हित के बारे में सोचती है। अगर मुस्लिम समाज के अंदर कहीं कुप्रथा है, हमने देखा है कि जो ट्रिपल तलाक के ऊपर महिलाओं के ऊपर एक शोषण होता था, उनको मोबाइल के ऊपर भी अगर कोई व्यक्ति तलाक तलाक बोल देता था तो उनके जीवन में अंधेरा छा जाता था, उस कुरूप प्रथा को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और एक बिल ला करके उन बहनों को भी सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के बारे में सोचती है, किस प्रकार से देश की नैया इस प्रकार से डगमगा रही थी, हर व्यक्ति इस बात के भय था उसके अंदर कहीं देश ये फिर गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहा। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के देश के सम्मान को बढ़ाया, देश के गौरव को बढ़ाया
और देश की विकास की एक नई गाथा लिखने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। और जब 2014 में 282 सीटें थी तो 2019 के अंदर देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें बड़े मैंडेट के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। अब 2024 का जब चुनाव आएगा 400 पार सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये भारत देश की जनता देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी कार्यालय पर सभी 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इस दौरान उनसे सलाह मशविरा किया गया, साथ ही साफा बांधकर पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव का स्वागत किया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्यकर्ता और मतदाताओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह, मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं लेकिन इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। उत्साह अब लोग क्षेत्र में गांव में जाते थे, डॉक्टर महेश वर्मा जी ज़्यादा जाते थे, देवकुट भरतवाड़े आप लोग थोड़ा कम भी जाते थे, लेकिन ये केवल यहाँ की जो भीड़ आपकी है, मैंने एक भी आदमी को, ये हमारे कार्यकर्ताओं से ने मेरा जो बीजेपी मेरा खुद का कार्यालय है वहाँ से केवल टेलीफोन करके टेलीफोन किया है, साधन भी नहीं भेजे हैं। तो ये प्रेम है, लोगों में उत्साह इस बात का है कि राजस्थान में यहाँ का जो सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहा टीकाराम जोशी उसको पूरी तरह से हराना है। चंबल का मुद्दा तो सबसे बड़ा तो पानी का है भाई, मैं हर बार कहता हूँ अलवर जिले को पानी चाहिए, चंबल का पानी चाहिए। ERCP की जो पेंडिंग जो योजना पड़ी है 37,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है उसको अशोक गहलोत ने पेंडिंग पटक रखा। सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा पानी का। मैं और बात बताना चाहता हूँ, अलवर ग्रामीण में गांव में जो जल जीवन मिशन की स्कीम कोई नहीं चल रही है, गांव में कोई सड़क का काम नहीं है, केवल 5 या 7 JCB लेकर के पटरियाँ खुदवा दी साइड में, किसी गांव में चले जाओ आप। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ टीकाराम जोशी को, एक भी गांव का हाथ उठा के बता दे मैंने इस गांव में सड़क बनवाई, और वो हाथ उठा के बता दे कि मैंने किसी गाँव को बिना सड़क के छोड़ा हो। वो विकास नहीं कराया उसने, विकास तो कराया उसने अपना खुद का परिवार का, खुद का विकास। किसानों हमारा किसानों का मुद्दा होगा समय पे बिजली मिले, समय पे खाद मिले, और जो आपके उन्नत के जो आपका जो गवर्नमेंट की सरकारी जो भी वो है खरीद की रेट उसमें समय पे उनको अनुदानाज बिके मान बिके, इनमें 5 साल तक ये सारी कमजोरी नहीं है। इसलिए मेरा तो ये है कि विकास हमारे अलवर जिले को बहुत आवश्यकता है। मैं आपको निवेदन करूँ कि अलवर की जो यूनिवर्सिटी है हल्दीना वो सारा काम ठप पड़ा, बंद पड़ा है। हमारे यहाँ हमने 18 करोड़ रुपए दिया था, उसके बाद भी टीकाराम जोशी कुछ ये रुपए नहीं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। IG ने विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अफसरों के लिए बैठक। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। मिलावट की शिकायत पर 1 क्विंटल से अधिक मिर्च पाउडर किया जब्त। केडलगंज में हुई कार्यवाही। ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर CM गहलोत ने शुरू की यात्रा। अलवर आने पर जिला कांग्रेस कमेटी करेंगी सभाएं। और युवक को चाकू से गोदकर हत्या के पीछे पारिवारिक कलह थी वजह। रामगढ़ पुलिस ने 4 को लिया हिरासत में। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV भरोसा अलवर का।